পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যের নতুন সরকারের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন তিনি বিশেষ বিমানে করে রাজ্যে আসার পর এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর সোজা চলে যান উদয়পুর মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে। সেখানে গিয়ে তিনি মায়ের উদ্দেশ্যে পুজো দেন। এরপর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের রূপোর ফটকের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর সোজা চলে আসেন রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত জনসভায়। সেখানে তিনি দলের ও সরকারি কার্যকর্তা সহ রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখেন। সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করেন। এদিন জনসভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। এদিন জনসভাকে ঘিরে জনসভাস্থলে জনঢল নামে। এরপর বিকেলে সোয়া চারটায় তিনি আনন্দনগরস্থিত ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সবশেষে তিনি বিকেল 4:45 আনন্দনগরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পাশাপাশি তিনি এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নারী সশক্তি প্রকল্পের ঘোষণা দেন। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সফরকে ঘিরে গোটা রাজ্যে জোরদার করা হয়েছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটতে পারে। তব আয়া হুঁ তব দেখ রহা হুঁ জো ত্রিপুরা ড্রাগ অর নশে কে কারোবার সে ত্রস্ত থা ও ত্রিপুরা আজ আত্মনির্ভর বনে কি দিশা মে আগে বড় রহা হে वो त्रिपुरा अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा के इस क्षेत्र में व्यापार कारोबार का नया हब बन रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी हुई कई योजनाएं हो रही है। त्रिपुरा के हर गरीब के घर में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मोदी जी ने योजना भेजी और विप्लव जी ने योजना को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्र 70 साल के बाद कोरोना आया, कितना लोगों का टीका लग गया है बताओ तो भाई, जरा हाथ ऊपर करो तो। टीका कितने लोगों का लगा है? सबका लग चुका है ना। मोदी जी ने त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखा और भाई विप्लव देव और जिष्णु देव बर्मन ने घर घर तक टीका पहुंचे उसकी व्यवस्था की। इसके कारण आज त्रिपुरा के सभी लोग तीसरी लहर से सलामत बैठे हैं भाई, सलामत बैठे हैं। अगर कम्युनिस्टों की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती तो ये संभव ही नहीं। 2 साल तक मोदी जी ने त्रिपुरा के हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजकर 2 साल तक गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिपुरा सरकार ने करी है। माताओं, भाइयों, बहनों, रोड और रेलवे से जुड़ी हुई दर्जनों योजनाओं को हमने पूरा किया है और आज मैं आया हूं तब आज महिला दिन है, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान शुरू होने वाला है। आनंदपुर में 2 घंटे बाद सरकारी कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री की महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत मैं करने वाला हूं। मगर मैं एक बात बता देता हूं, सारी माताएं बैठी है त्रिपुरा प्रशासन में नौकरियों में 33% रिजर्वेशन माताओं को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।